गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम आ गए हैं अभी कोकुतलाम, जो कि वैंकूवर ग्रेटर एरिया में पड़ता है, ऑन द नॉर्थ एंड ऑफ वैंकूवर। और यहाँ पे हम आए थे बिकॉज दीदी जीजू को फेसबुक मार्केट प्लेस पर काफ़ी अच्छा फर्नीचर वगैरह मिल गया था, तो वो लेडी कोकुतलाम में रहती थी, तो हम यहाँ पे आ गए जस्ट टू चेक आउट द फर्नीचर। और अच्छी डील मिल गई, मानो ये नहीं, लाइक पूरा एक लिविंग एरिया का सेटअप, वन बेड एंड अ फ्यू अदर थिंग्स, सब कुछ अराउंड $500-600 के अंदर मिल गया। बट हाँ, अब यहाँ पे आ गए हैं और ये रहा राजवीर, जिससे आप मिल चुके हो पिछली वीडियो में। तो यहाँ पे आए थे तो अब वही है, तो मैंने सोचा इस मॉल में भी घूम लेते हैं। दिस मॉल इज़ कोकुतलाम सेंटर, काफ़ी अच्छा, काफ़ी बड़ा मॉल बना हुआ है। बट यहाँ पे जस्ट हम एक छोटा सा स्टॉप ओवर लेने के लिए यहाँ पे रुक गए हैं, जस्ट टू हैव सम कॉफ़ी और थोड़ा सा वॉशरूम वगैरह जाने के लिए। बट हाँ, इसके बाद निकलते हैं थोड़ा वैंकूवर डाउन टाउन की तरफ, स्टैनले पार्क, गैस टाउन, वो सब घूमते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो हम खाना वाना खा के हम निकल चुके हैं और हम जा रहे हैं गैस टाउन की तरफ। तो वैंकूवर में काफ़ी एक फेमस एक क्लॉक है जिसका नाम है स्टीम क्लॉक, तो उस वाले एरिया में चलेंगे। सुना है बहुत अच्छा एरिया, तो वहाँ पे वॉक भी करेंगे। बाकी मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ इस वैंकूवर सिटी का। अब तक हमने जितना भी देखा है ना, चाहे वो कोकुतलाम हो, बर्नबी हो, और अभी वैंकूवर में भी हैं, तो हाँ, मतलब इस सिटी की एक लुक एंड फील से पता लगता है कि इट इज़ एन एक्सपेंसिव सिटी, डेफिनेटली। कैलगरी में जैसे अभी भी वो बन रहा है, डेवलप हो रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं पे थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाएगी। बट वैंकूवर में अभी तक मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन देखने को नहीं मिली है कहीं पर भी, ये ऑलरेडी पूरा डेवलप्ड सिटी बन चुकी है, तो इसलिए हाँ, इसमें एक एक्सपेंसिव सिटी वाली फील ज़रूर है। गैस टाउन की ओवरऑल जो फील है ना, काफ़ी अमेजिंग हैपनिंग सी है, तो ये एरिया अच्छा है डेफिनेटली। अगर वैंकूवर आ रहे हो तो गैस टाउन में एक जो होता है ना क्विक स्क्रॉल, वो करना ज़रूर बनता है। अब चलते हैं ज़रा एक ये सोवेनियर शॉप में, हम भी वैंकूवर आए हैं तो उसकी एक निशानी तो लेके जाएं। कुछ पसंद आ रहा है दीदी? बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लगी हैं। किसके लिए ले रहे हो आप? ये देखिए पहले तो आप। ओए होए होए होए, बहुत ही बढ़िया, एकदम कैनेडियन मफलर है ये। तनु ले लूं? तनु के लिए ले रहे हैं भाई, वैंकूवर बिना तनु के आए तो कुछ तो लेके जाना पड़ेगा उसके लिए, नहीं तो तनु नाराज हो जाएगी। आप बताओ, आपको अभी तक इन 4-5 दिनों में कनाडा कैसा लगा? बहुत ही अच्छा। बहुत ही अच्छा, शब्द ही नहीं। और और वो है वैंकूवर की काफ़ी फेमस जगह, कनाडा प्लेस, अभी उसके पास जाके भी आपको दिखाते हैं। अगर आपको दिख रहा हो, ये कनाडा प्लेस जो है ना, एक बड़ी क्रूज शिप की शेप में उन्होंने बनाया हुआ है, बट इट्स एक्चुअली नॉट अ क्रूज शिप, बस उस शेप में उन्होंने बिल्डिंग बनाई, और इस बिल्डिंग के अंदर एक्चुअली में एक फेरी टर्मिनल है, कन्वेंशन सेंटर्स हैं, होटल्स हैं, और ऐसी कमर्शियल, कुछ शॉप्स तो नहीं कहूँगा बट कमर्शियल कन्वेंशन सेंटर्स जैसी प्लेसेस यहाँ पे। अमेजिंग व्यू है यार यहाँ से। अब हम आ गए हैं इंग्लिश बे बीच, जो कि वैंकूवर का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बीच है, बट यहाँ पे अभी हम सिर्फ एक स्टॉप ओवर लेने के लिए आए हैं बिकॉज हम जा रहे हैं अभी स्टैनले पार्क। लेकिन आज शाम को भी ट्राई करेंगे इंग्लिश बे या फिर किट्सलानो बीच आने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी पॉपुलर बीचेस हैं,
एंड जनरली लोग सनसेट इंजॉय करने आते हैं, बट क्योंकि आज वीकेंड है तो आप देख ही सकते हो बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं। बट हाँ, यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप ओवर लेते हैं और फिर चलते हैं स्टैनले पार्क। इस बीच की वाइब बहुत ही हैपनिंग सी है ना दीदी? हाँ। बहुत बढ़िया। क्यों जीजू? वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, है ना? सो ऑसम। कहीं भी घूम के देखो मजा ही मजा आ रहा है, मजा ही मजा। सीरियसली। सो अब हम आ गए हैं वैंकूवर के फेमस स्टैनले पार्क में, और अभी एंट्रेंस पे इतने नजारे इतने खूबसूरत हैं मैं क्या बताऊं। सबसे बढ़िया चीज यहाँ की क्या लग रही है? हवा। इतनी फ्रेश हवा है, सांस लेने में मजा आ रहा है। सांस लेने में मजा आ रहा है। ओह माय गॉड, इस साइड से सिटी की स्काईलाइन कितनी सही लग रही है यार। इनसेन। स्टैनले पार्क के इस वाले सारा जो एरिया है जो सी के साथ साथ है उसको कहते हैं सी वॉल, और इस सी वॉल पे ही बेसिकली सारे जो वॉकिंग ट्रैक्स और साइकिलिंग ट्रैक्स हैं वो सब बना हुआ है। वीकेंड में यहाँ पे आपको इतने लोग देखेंगे जो वॉक कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, मतलब अमेजिंग फील है यार। यहाँ आके पता लगता है यार कि जो कनाडा में जो लोग होते हैं यार इतने फिटनेस वो होते हैं ना कि अपना फिटनेस का ख्याल रखने वाले। इंडिया में हम जनरली इतना करते नहीं थे, बट यहाँ पे लोग बहुत ही फिटनेस कॉन्शियस हैं, और ऐसे ही फिटनेस कॉन्शियस लोगों के लिए स्टैनले पार्क तो यार इट्स अ हेवन। हमने अब बाइक भी रेंट कर ली है, मज़ा आएगा। दीज आर कॉल्ड टोटम पोल्स। ये बेसिकली रेप्लिका है ऑफ दी ओरिजिनल्स, और टोटम पोल्स में अगर आप डिज़ाइन देखोगे सारी कार्विंग्स होती है जो कि इंडिजिनस जो लोग थे उनके जो वो आर्टिस्ट होते थे वो बनाते थे। तो ये ओरिजिनल टोटम पोल्स नहीं है, बट ये उनके रेप्लिकाज हैं जस्ट टू ऑनर कि भाई कैनेडा जो है वो एक्चुअली में इंडिजिनस लोगों का है, दे आर एक्चुअली द नेटिव कैनेडियंस, बाकी सारे तो यहाँ पे इमिग्रेंट्स ही हैं। मैंने अपने काफ़ी सारे ब्लॉग्स में बताया हुआ है ऑलरेडी कि कनाडा में यार वॉक बहुत ज़्यादा होती है, राइट, और अच्छा भी लगता है वॉक करना, राइट, लेकिन जो भी नया आता है ना यहाँ पे उनको इतनी आदत नहीं होती है वॉक करने की, तो किसी भी नए इंसान के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो वही है, अभी दीदी जीजू और बच्चे वगैरह थोड़ा दे वर फीलिंग टायर्ड, सो उन्हें हमने वो टोटम पोल वाले एरिया में रेस्ट करने के लिए बोल दिया कि आप वहाँ पर रेस्ट करो, और मैं थोड़ा आगे निकल आया हूँ थोड़े और व्यूज़ एंजॉय करने के लिए। बट वही है, धीरे धीरे आदत पड़ जाती है, जैसे जैसे वॉक करने की आपको आदत पड़ती है कनाडा में। अभी भी जब से मैं आया हूँ तब से हम ऑलमोस्ट डेली हमारे 12,000 14,000 15,000 स्टेप्स हो ही रहे हैं। हाँ, इन्होंने बढ़िया बढ़िया बेंचेस लगाए हुए हैं, आराम से बैठो और व्यूज एंजॉय करो। रेस लगाएगा? हाँ। 1 2 3 गो। मैं इसी रेस के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।